नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के रोजगार समाचार में कई अहम खबरें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक शिक्षा की। बेसिक शिक्षा के लिए 11,411 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर फोकस दिया जाएगा और विद्यालयों का कायाकल्प किया जाएगा। 2022-23 के लिए ये बजट मंजूर किया गया है और कार्य योजना के मुताबिक अब उन विद्यालयों में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किया जाएगा जहां पर अतिरिक्त कक्ष पहले नहीं बनाए। शौचालय, शुद्ध पेयजल और फर्नीचर आदि की व्यवस्था की जाएगी। कंप्यूटर लैब तथा सोलर पैनल इत्यादि की स्थापित किए जाएंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्मार्ट क्लास शुरू की जाएगी। NCTE का आदेश है कि अप्रेजल रिपोर्ट न भरने वालों पर कार्रवाई की है। 100 BEd कॉलेजों में इस बार नो एडमिशन किया जाएगा। 100 BEd कॉलेज है जिसमें कि 2022-23 में BEd का सत्र शून्य कर दिया गया है। प्रदेश में करीब 1000 महाविद्यालय हैं जहां इस बार BEd व DELED में दाखिले नहीं होंगे। NCTE की सख्त रवैया अख्तियार करते हुए परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट जमा न करने वाले महाविद्यालयों पर कार्रवाई की गई है। यह फैसला दिल्ली में 27 अप्रैल को हुई जनरल बॉडी मीटिंग में लिया गया और आदेश सभी संबंधित महाविद्यालयों को भेज दिया गया है। विश्वविद्यालय और कॉलेजों में स्पोर्ट्स शिक्षा अनिवार्य की जाएगी। दिल्ली की न्यूज है यहाँ पर। जो फिजिकल फिटनेस, स्पोर्ट्स, स्टूडेंट हेल्थ वेलफेयर, मानसिक और भावनात्मक व्यवस्था पर आधारित पहली गाइडलाइन जारी की गई है और विश्वविद्यालयों में UGC के तहत जो स्पोर्ट्स विषय अनिवार्य किया गया है, इससे स्पोर्ट्स शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और फिजिकल एजुकेशन के जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको राहत मिलेगी और उनके काफ़ी पदों पर भर्ती की जाएगी। TGT जीव विज्ञान 2011 का परिणाम आ चुका है और ये पदों में उलझ गए। 10 वर्षों से यह परिणाम पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस विज्ञापन के तहत अन्य विषयों की भर्ती पूरी हो चुकी, लेकिन जीव विज्ञान विषय की उम्मीदवार सीट का बंडल पानी से भीग जाने के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इसका परिणाम घोषित नहीं कर सका है। अब जांच प्रक्रिया के बाद परिणाम जारी करने की राह सुगम हुई तो पदों की समस्या का नया संकट खड़ा हो गया है। 83 पदों की भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन अब आधे से ज़्यादा पद रिक्त नहीं है। चयन बोर्ड ने जीव विज्ञान में 83 पदों के लिए भर्ती परीक्षा कराई थी। परीक्षा के बाद OMR सीट का बंडल चयन बोर्ड के कक्ष में रखा गया था। वहाँ बंडल पानी से भीग जाने से समस्या खड़ी हो गई थी। आखिर मूल्यांकन किस तरह किया जाए, इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। इस बीच चयन बोर्ड ने पिछली लंबित भर्तियों को तेजी से पूरा कराने के लिए कार्य किया। इसी बीच चयन बोर्ड ने 2 वरिष्ठ सदस्यों को जीव विज्ञान 2011 की OMR सीट मामले में जांच सौंपी। सदस्यों ने OMR सीट से कार्बन कॉपी से मिलान कर परिणाम घोषित करने की संस्तुति के साथ चयन बोर्ड को जाँच रिपोर्ट सौंपी। इसके बाद बोर्ड ने 10 साल से ज़्यादा पुरानी भर्ती होने के कारण पदों का सत्यापन कराया तो आधे से भी कम पद ही रिक्त मिले हैं। ऐसे में संकट खड़ा हो गया है कि परिणाम घोषित करने पर चयनितों का पैनल कैसे आवंटित हो सकेगा। अब मामला फिर उलझ गया है। चयन बोर्ड नहीं चाहता कि परिणाम घोषित किए जाने के बाद कोई अभ्यर्थी बोर्ड का दरवाज़ा खटखटाए। मामले में चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर कह रहे हैं कि पदों का सत्यापन कराया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर परिणाम के संबंध में चयन बोर्ड के चेयरमैन के स्तर से अंतिम निर्णय लिया जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक अच्छी खबर है कि 1,90,00,000 विद्यार्थियों का नामांकन इस साल हुआ है। 30 अप्रैल तक चले स्कूल चलो अभियान के दौरान विद्यालयों में पिछले वर्ष की अपेक्षा करीब 17 लाख अधिक छात्र छात्राओं को प्रवेश देने का दावा किया गया है। अब तक 1,90,00,000 छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जा चुका है। वैसे 2 करोड़ नामांकन का लक्ष्य अभी दूर है। बेसिक शिक्षा विभाग 4 मई को बैठक कर रहा है। इसमें अभियान निरंतर चलाए जाने पर मुहर लगना तय माना जा रहा है। LT ग्रेड की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है कि अटल आवासीय विद्यालयों के निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है और अगले सत्र में यहां पढ़ाई कराने की बात की जा रही है। 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। 2023 में इस विद्यालयों में हर हाल में शिक्षण कार्य शुरू किया जाएगा और इसके लिए पहले भर्ती होनी है, जो कि LT ग्रेड के माध्यम से भर्ती होती है। तो LT ग्रेड के जो छात्र हैं उनके लिए गुड न्यूज है कि पदों की संख्या नई भर्ती में बढ़ेगी और उनको राहत मिलेगी, जिससे कि उनके चयन की राह आसान होगी।
प्रधानाचार्य भर्ती का एक दशक के बाद रिजल्ट घोषित हुआ। कानपुर मंडल के 94 सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक स्कूलों में एक दशक के लंबे इंतजार के बाद नियमित प्रधानाचार्य मिल गए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य भर्ती 2011 का अंतिम चयन परिणाम सोमवार को जारी कर दिया। परिणाम चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रधानाचार्य भर्ती का विवाद हाईकोर्ट में लंबित था। कानपुर मंडल में प्रधानाचार्य के 94 पदों पर भर्ती का परिणाम सबसे अंत में जारी किया गया। इससे पूर्व 25 जनवरी को देवीपाटन मंडल का परिणाम जारी किया गया था। चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर के अनुसार 12 दिसंबर 2019 के हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में 31 मार्च एवं 1 अप्रैल को कानपुर मंडल के अभ्यर्थियों से साक्षात्कार कराया गया था। विभिन्न याचिकाओं में हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में नगर निगम कानपुर की ओर से चयनित संचालित वैदिक टेक्निकल एवं औद्योगिक इंटर कॉलेज डीबीएपुर अमरैया और नारायण आर्य इंटर कॉलेज फरुखाबाद के परिणाम को छोड़कर शेष संस्थाओं का परिणाम घोषित कर दिया गया है। CGLI 2021 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई। SSC ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGLI 2021 की अंतिम उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएँ सोमवार को अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी। परीक्षा 11 से 21 अप्रैल तक विभिन्न केंद्रों प्रायोजित की गई थी। नई दिल्ली से एक अच्छी खबर आ रही है। सरकारी स्कूलों में संगीत, डांस, ड्राइंग और खेल की कक्षाएं लगेंगे। इससे इन विद्यालयों में इन विषयों के पदों पर भर्ती की जाएगी। संगीत की, डांस की, ड्राइंग की और खेल की, तो इन विषयों में पदों की संख्या बढ़ेगी। DSSSB के माध्यम से इन विषयों में सरकारी शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। ICARI में भर्ती निकली है। 14 पद हैं। प्रिंसिपल, प्रोजेक्ट एसोसिएट व अन्य पद यहाँ पे रिक्त पड़े हैं। 40 वर्ष आयु निर्धारित की गई है और आरक्षित वर्ग के लिए यहाँ पे छूट दी गई है। उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस, IT और डाटा साइंस में MSc, MTech, ME, MCA की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ साथ 8 वर्ष का कार्य अनुभव भी यहाँ पे अनिवार्य किया गया है। चयन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। साक्षात्कार में शामिल होने के लिए कोई TET नहीं दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 21 मई 2022 है। एक और भर्ती है जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से निकली है। लेक्चरर के विभिन्न पदों की भर्ती इसमें चल रही है। इसमें किसी भी राज्य के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहें CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।